राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2025 तक टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य प्राप्ति के क्रम में तथा महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में नगर निगम के नवीन सदन हॉल में पार्षदों एवं अधिकारियों की जागरूकता एवं सहभागिता में एक बैठक आयोजित किया गया तथा सभी लोगों ने टीबी उन्मूलन के लिए शपथ ली, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय क्षय रोग के ब्रांड एम्बेसडर व सदस्य सांसद रवि किशन शुक्ला रहे। महापौर सीताराम जायसवाल ने मुख्य अतिथि को बुके एवं बैच लगाकर तथा माला पहनाकर स्वागत किया तथा कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मान किया गया, जिसके संबंध में टीबी रोग के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर व सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि हमें टीबी मुक्त भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। प्रधानमंत्री ने वादा किया है कि 2025 तक भारत टीबी मुक्त हो जाएगा। उन्होंने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी को खांसी आ रही है और 2 दिनों तक खांसी रुक नहीं रही है तो तुरंत जांच कराएं। इसका इलाज जिला अस्पताल पर निशुल्क है। अगर कोई भी टीबी के मरीज होता है तो उसे सरकार 500 रुपये हर महीना खाने के लिए देती है और हम सभी को मिलकर टीबी से मुक्त भारत बनाना है। वहीं जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर गणेश प्रसाद यादव ने बताया कि टीबी के मरीज को दवाओं के साथ मानसिक संबल मिलने से टीबी से लड़ाई आसान हो जाती है। इस अवसर पर CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, महापौर सीताराम जायसवाल, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, सुरेंद्र, धर्मवीर प्रताप सिंह, राजेश सिंह सहित पार्षद एवं अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर गणेश प्रसाद यादव एवं राष्ट्रीय क्षय रोग के ब्रांड एम्बेसडर व सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, गोरखपुर जनपद की तरफ से तथा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से माननीय सांसद मोदी जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामना, जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर माला पहना है पुष्प देकर अब मैं उप से निवेदन करूंगा, सर आप उप सभापति महोदय को हम ब्रांड एम्बेसडर अनुरोध करूंगा कि सांसद जी को माला पहनाकर स्वागत करें और हम सब की तरफ से उन्हें हाथ माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर डॉक्टर आशुतोष रूपी जी से अनुरोध करूंगा कि वो शब्दों से उपस्थित सभी के जिनको हम लोगों ने अपना सांसद बनाया है वो टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। इसी उपलक्ष्य में हम लोग जो है अपने यहाँ से टीवी की एक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में हम लोग जो है एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते हम लोग की ना कोई ऐसी हैसियत है ना हम लोग इसका स्थान रखते हैं, लेकिन आदरणीय सांसद महोदय ने जो सम्मान क्रोसिस के लिए अपना व्यक्त किया है उसके लिए हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस सभा में आने के लिए और अपने व्यस्ततम समय से आज सांसद महोदय ने जो समय के लिए हम उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। परम आदरणीय हम लोगों के अभिभावक हमारे महापौर महोदय ने अपने व्यस्ततम समय से हम लोगों को ये समय निकाला है, हम उनका इस सभा में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ हम अपने जितने यहाँ सदन में उपस्थित हमारे पार्षद महोदय हैं जो हमारे इसके लिए जो है एक चिराग का काम करेंगे, जो अपने अपने क्षेत्र में ट्यूबरकुलोसिस के प्रोग्राम की जन जागरूकता की रैली निकालेंगे, जन जागरूकता का जो दीपक प्रज्वलित करेंगे, हम उनका स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ जो है हमारे जितने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधु हैं, मैं सबका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इसी क्रम में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अगर गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर में जो है हम लोग जो है काफ़ी अच्छे स्थान पर हैं। हमारा जो है टीबी के इलाज से ठीक करने का प्रयास कहा था
रोग से खड़ा करें, रोगी से नहीं। हम लोग इसी कार्यक्रम को इसी तरह करते मरीजों को, टीबी के मरीजों को, टीबी का मर्ज जो होता है 2 सप्ताह से अधिक की खांसी है तो वो टीबी हो सकती है। ये बात अवश्य ध्यान रखें कि हर खांसी टीबी नहीं होती है। आमंत्रित करूंगा सुरेश भाई यहाँ उपस्थित है और वरिष्ठ पार्षद अजय राय जी यहाँ उपस्थित है। मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ माननीय सांसद जी का एकल पुष्प देकर स्वागत करें। अभिषेक निषाद जी, जितेंद्र चौधरी जीतू जी, जिनका यह गृह क्षेत्र है, जिनका यह वार्ड है जिसमें सदर भवन बना नगर निगम प्रांगण इनके क्षेत्र में है, तो हम लोग उनसे भी आग्रह करें और माननीय सांसद जी तक पहुंचाते हैं। ऐसे समृद्ध विक्रम सिंह जी, ऐसे जय यदुवंशी जी, यहाँ पे पवन दुबे जी उपस्थित है, उनका भी सभागार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कोई माननीय पार्षद सीबी ने टेंटी जिला शहरों केंद्र राजेश गुप्ता बड़े पाबंद है और अतिरिक्त समय लेके ये मरीजों की सहायता भी करते हैं। जितने पार्षदगण हैं, जिन लोग ये जिम्मेदारियों में बहुत बड़े योद्धा के रूप में, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी। मुझे उन्होंने पहले विदेश दौरे पर भेजा, मैं जब पेरिस में था तब वहीं पे मुझे लेटर मिला कि मैं ब्रांड एम्बेसडर बना गया हूं। टीवी हारेगा देश जीतेगा के इस प्रधानमंत्री जी के सबसे दिल के करीब के मोमेंट पर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने वचन बहुत कम दिया है लेकिन जब वचन दिया उन्होंने कि 2025 तक टीवी हारेगा देश जीतेगा। अभी हम सेमो महोदय से बात कर रहे थे तो भारत एक, अब इसको भारत का दुर्भाग्य कहेंगे हम लोग, क्योंकि पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा टीबी मरीज यहाँ पर है। जैसे इंडिया में 26% है, चाइना में 8.5 है, इंडोनेशिया में 8.54 है, फिलिपाइन में 6% है, पाकिस्तान में 5.8 है, बांग्लादेश 3.6 है, साउथ अफ्रीका 3.3। फिर उन्होंने कहा ट्रॉपिकल रीजन है, मैंने इनसे सीएमओ महोदय से पूछा बिकॉज इनको बहुत नॉलेज भी है, मैंने बोला क्यों इतने टीबी के मरीज हमारे यहाँ देश में क्यों है, तो यहाँ का वेदर कंडीशन ऐसा है कि मलेरिया बैक्टीरिया यहाँ पर बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है और अपना मुंह खोल देता है और उतना अटैक करने की पूरी सिचुएशन में रहता है और फैलता जल्दी है। एक हिंदुस्तान की धरती ऐसी है और उसके चूंकि बहुत सारे रीजन हैं, तो अब है उसको कैसे ठीक करना, ये प्रधानमंत्री जी की चिंता रही। तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह मौका मुझे दिया, देखिए जनता ने मुझे जिताया मुझे महाराज जी के आशीर्वाद से। महाराज जी के बारे में पूरे देश में चर्चा है, विदेशों में भी मैं गया था वहाँ पे भी चर्चा है कि किस तरह से वो मेडिकल के लिए एक लड़ाई लड़ते रहे और उन्होंने सबसे बड़ा एग्जांपल इंसेफ्लाइटिस के लिए जैसे महापौर जी ने कहा, और गोरखपुर जाना जाता था कि गोरखपुर एक कटोरे की तरह है, पानी यहाँ जमा हो जाता है उसका एग्जिट नहीं, इसी तरह इसका पूरा आकार है गोरखपुर का, उसमें पानी जमा हो जाना उसका अगर निकलना नहीं है तो बीमारी डेफिनेटली होगी, मलेरिया होगा और गंदगी होगी, बीमारियां होंगी। खैर महाराज जी ने उसका भी पूरा निवारण निस्तारण किया और आज हम लोग 98% हम लोग इंसेफ्लाइटिस को हरा चुके हैं, तो जो महाराज जी की दिन रात में। अब रही बात टीबी की, तो 7,800 मरीज को गोरखपुर से चुनना था, हमारी टीम इतनी अच्छी है, सीएमओ महोदय की यहाँ की मेडिकल टीम इतनी अलर्ट है क्योंकि सीएम सिटी है, यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज को भी अपोजिशन या लोग वायरल करते हैं, तो हम लोगों को या हमारे सारे अधिकारी गण को या सारे प्रतिनिधि गण को या पार्षद गण को सबको बड़ा एक्टिव और सचेत 24 घंटा रहना पड़ता है कि हम लोगों से छोटी गलती भी यहाँ देश की न्यूज बन जाती है, हेडलाइन बन जाती है, तो हम लोगों को ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। वो अस्पताल हो या वो एजुकेशन सिस्टम हो या जल जमाव हो या किसी प्रकार का प्रतिनिधि का व्यवहार हो, आचरण हो प्रतिनिधि गण का या हमारे पार्षद गण का, या हमारे को तुरंत किसी ने गुहार लगाई किसी मदद के लिए, अब हम लोगों को तुरंत उसको पूरा करना होगा क्योंकि हम लोग हमेशा मीडिया की नजर में
ऑपोजिशन की नजर में ज्यादा रहते हैं क्योंकि सीएम सिटी है और राजनीति का गोरखपुर एक गढ़ है। तो अब यहाँ पर खोजा गया तो 7800 जैसे पूरे देश में 82% 86% टीबी के मरीज हैं। अभी हम लोग उसको खत्म करना है 16% पर हम लोगों को या 26% पे हम लोगों को कैसे भी ऑलमोस्ट 16% या 17% को कैसे भी खत्म करना है प्रधानमंत्री जी की चिंता है। आज शपथ लेते हैं कि समाज से क्षय रोग के उन्मूलन हेतु हम अपने समाज को जागरूक करेंगे और अपने आसपास के संभावित क्षय रोगी को प्रेरित करेंगे तथा टीबी के कलंक को मिटाते हुए समाज को क्षय रोग से मुक्त करने से अपना सहयोग प्रदान करेंगे। यहां से सभा समाप्त करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर गणेश यादव, मैं जिला क्षय रोग अधिकारी हूँ। ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है, खास करके ये टीबी के मरीजों के लिए, कि 2025 तक पूरे भारतवर्ष में टीबी को ख़त्म करना है। टोटल जो है हमारा एक भी मरीज टीबी का न रहे, यही मकसद से ये जो है प्रोग्राम हम लोग लिए और इसके लिए नामित किए गए हैं भारत सरकार के तरफ से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमारे सांसद जो हैं ये श्री रवि कृष्ण जी, और वो सब जगह प्रथम आगमन पर उनका एक स्वागत भी हुआ और टीबी के विषय में ये जन जागरूकता, ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए जागरूकता कि लोगों में ये जागरूक करें कि ये ठीक होने वाली बीमारी है, आप इसे रेगुलर ट्रीटमेंट लें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दवा भी मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट भी है, इसके साथ साथ दवा के साथ साथ आपको पोषण के लिए 500 रुपये हर मंथ जो है आपका जब तक इलाज चलेगा तब तक सरकार की ओर से DBT के माध्यम से आपका खाता में जाते रहेगा। कुछ लोग सम्मानित किए गए हैं जो कि कोरोना काल में या अभी भी वो जो हैं लैब टेक्नीशियन थे, LT थे, उन्होंने जांच जो है टीबी का जो जांच है आजकल मॉडर्नाइज जांच हो गया, वो जांच आपको प्राइवेट में भी नहीं मिल पाएगा, अगर प्राइवेट करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है। तो उन लोग बहुत अच्छा रोल किए हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, उसमें एक तो दिव्यांग भी थे जो कि वो टाइम से आना, टाइम से अधिक जो है वो जांच करते हैं, इसलिए उन लोगों को BRD के 2 LT थे, अपना 3 यहाँ के थे, उनको सम्मानित किया गया। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि हमको ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने टीबी मुक्त भारत में बनाया, जो उनके दिल के बहुत करीब का है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया 2025 तक भारत टीबी मुक्त हो जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे प्रधानमंत्री जी जो सोचते हैं वो करते हैं, उसके लिए उन्होंने पूरे देश के लिए मुझे नेशनल एम्बेसडर बनाया है टू टेक केयर कि मैं इसकी बातें प्रचार प्रसार करूं, और मैं उसके लिए अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते देते देश की जनता और उत्तर प्रदेश और समस्त गोरखपुर की जनता को बोलूँगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा, खांसी जब भी आती है लगातार 2 दिन के बाद अगर खांसी रुक नहीं रही है तो आप उसका जाँच करवा दीजिए, मुफ्त जाँच है, अगर TB रोगी कोई निकलता है तो 500 रुपये सरकार उसको देती है खाने पीने के लिए, उसको इम्यूनिटी सिस्टम को पावर बढ़ाने के लिए 1 रुपया आपका नहीं लगेगा, कृपया मुफ्त में TB जांच करवा लें। 7800 केसेस अभी भी गोरखपुर में हैं जो TB से ग्रसित हैं, उनको हमको कैसे भी रिकवर करना है, उनके मुंह पर मास्क ज़रूर लगे क्योंकि 1 TB रोगी 10 लोगों को और बढ़ा सकता है, तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं बीच बीच में बार बार बताता रहूँगा कैसे TB की जागरूकता और TB को कैसे गोरखपुर की धरती, उत्तर प्रदेश की धरती और इस भारत से हम लोगों को मिलकर ख़त्म करना है, मेरा साथ दीजिएगा। धन्यवाद।